हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमीजी नेट पर। दोस्तों आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड का सेक्शन और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। तो हमारा जो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा वो रहेगा इवेल्युएशन के बारे में, यानी कि मूल्यांकन प्रणाली के बारे में। टीचिंग एप्टीट्यूड में किस तरह की मूल्यांकन प्रणाली होती है और दोस्तों इसमें से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, तो ये टॉपिक करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखना और ध्यान से देखना क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस को आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं, जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया कि इवेल्युएशन से बहुत से क्वेश्चन आ चुके हैं अभी तक, तो वो क्वेश्चन किस तरह से आए हैं और किस तरह से क्वेश्चन आगे आने की संभावना है इसके बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे। लेकिन इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि इवेल्युएशन क्या होता है और इसके कितने टाइप्स हैं। दोस्तों इवेल्युएशन को हम हिंदी में मूल्यांकन प्रणाली भी कहते हैं। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में हम जानते हैं ये क्या है और इसके कितने टाइप्स हैं। दोस्तों सबसे पहले हमें इस दो चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए, इनकी बेसिक जानकारी होनी चाहिए। एक तो असेसमेंट क्या होता है और एक इवेल्युएशन क्या होता है। दोस्तों जैसा कि यहाँ पर हमने लिखा हुआ कि असेसमेंट, तो असेसमेंट की जो डेफिनेशन वगैरह है वो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, इंग्लिश और हिंदी में मैंने दी है, लेकिन मैं यहाँ आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझा देता हूं। देखिए दोस्तों असेसमेंट के अंदर क्या होता है, असेसमेंट के अंदर बच्चे का जो अनुभव है, उसके जो विचार है, उसका जो एटीट्यूड है और उसे जो अभी तक नॉलेज है उसको समझकर हम देखते हैं कि बच्चे को कितनी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो इस तरह से हम उसकी शिक्षा को और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। और बात करते हैं अगर हम इवेल्युएशन की, तो इवेल्युएशन के अंदर क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर हम बच्चे की जैसे ग्रेडिंग सिस्टम हो गया और टेस्ट हो गया इस तरह से, और उसकी परफॉर्मेंस वगैरह देखकर हम पता लगाते हैं कि बच्चे को इम्प्रूवमेंट की कितनी ज़रूरत है। तो इन दोनों के अंदर थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, ये आप देख सकते हैं। इवेल्युएशन के अंदर हम उसका पूरा का पूरा जजमेंट करने की कोशिश करते हैं कि बच्चे ने अभी तक क्या सीखा है। जैसे कि हम लास्ट के अंदर टेस्ट लेते हैं क्लास के अंदर, जैसे लास्ट में पूरा ईयर होने के बाद में उसका इवेल्युएशन करते हैं कि उसने कितना सीखा और कितनी उसमें कमी है। तो ये इन दोनों में थोड़ा फ़र्क है, ये आप यहाँ पे आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं और इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, दोनों लैंग्वेज में हमने यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। और एक चीज़ और दोस्तों, यहाँ पे शिक्षा में सबसे पहले असेसमेंट आता है, सबसे पहले हम नॉर्मली देखते हैं बच्चे को क्या नॉलेज है, ठीक है, और उसका क्या बिहेव है, ये सभी चीज़ें देख के यानी कि असेसमेंट करते हैं उसका, और उसके बाद उसका इवेल्युएशन करते हैं हम। तो पेपर में कई बार आ जाता है कि सबसे पहले क्या आएगा, तो इसके अंदर क्या आएगा, असेसमेंट पहले आएगा और इवेल्युएशन बाद में आएगा। और अब देखते हैं हम इवेल्युएशन से कितने तरह के टाइप है इवेल्युएशन के। अब देखिए इवेल्युएशन के मुख्य रूप से अगर देखे जाए तो 7 तरह के टाइप है, ये यहाँ पे हम इनको पढ़ेंगे। और दोस्तों अगर इनके बारे में आप डिटेल से जाओगे तो बहुत कुछ ज़्यादा है इनके बारे में, लेकिन हमें यहाँ पे इनके बारे में बेसिक जानकारी होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं जैसे कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, और उसके बाद में प्लेसमेंट इवेल्युएशन, उसके बाद फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, फिर डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। अब देखिए इसके बारे में एक एक के बारे में हम विस्तार से जानेंगे ताकि आपको अच्छे से पता चल सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। दोस्तों इसके अंदर क्या होता है कि ये CBSE बोर्ड ने ये मूल्यांकन प्रणाली अपनाई थी। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर बच्चे का पूर्ण रूप से मूल्यांकन किया जाता है, यानी कि बच्चा क्या पढ़ रहा है, क्या सीख रहा है, क्या खेल रहा है और वो किस एनवायरमेंट में रह रहा है, तो इस तरह से हम उसका पूरा पूरा का पूरा मूल्यांकन करते हैं। और इसके अंदर जो CCE जो मूल्यांकन प्रणाली है, इसके अंदर खासियत क्या होती है, ये किस लिए अपनाई गई थी, ये इसलिए अपनाई गई थी कि ताकि बच्चों में जो तनाव है उसको कम किया जा सके। और इसके अंदर एक और चीज़ होती है दोस्तों, और ये दोस्तों समय समय पर बच्चों के ऊपर की जाती है ताकि बच्चों में स्ट्रेस कम हो सके।
और आगे देखते हैं हम आगे कौन सी है। अब देखिए प्लेसमेंट इवेल्युएशन है। देखिए प्लेसमेंट इवेल्युएशन का मतलब क्या है, इसके अंदर अगर हम आसान भाषा में समझे तो जैसे कि हम किसी भी स्कूल में जाते हैं अपने बच्चे को लेकर, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो टीचर है वो उनको देखेंगे, हमारे बच्चे को टेस्ट लेके देखेंगे कि हमारे बच्चे को अभी तक कितनी नॉलेज है, उसी के अनुसार वो अपनी क्लास में अपने स्कूल में एडमिशन देंगे। यानी कि पहले अपने बच्चे को जांचेंगे परखेंगे कि कितनी उसमें नॉलेज है और इसे कौन सी क्लास में एडमिशन देना चाहिए। तो इसे हम क्या कहते हैं, प्लेसमेंट इवेल्युएशन कहते हैं। और यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और चलिए हम आगे देखते हैं। अब अगला आता है दोस्तों हमारे पास फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। देखिए फॉर्मेटिव इवेल्युएशन का मतलब क्या है कि इस तरह का मूल्यांकन समय समय पर किया जाता है ताकि हमें यह पता चल सके कि बच्चे में कितना इम्प्रूवमेंट आया है। देखिए फॉर्मेटिव इवेल्युएशन के अंदर क्या होता है कि हम टाइम टू टाइम बच्चे का निरीक्षण करते हैं, टाइम टू टाइम बच्चे के टेस्ट वगैरह लेते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि कितना इम्प्रूवमेंट आया है। जैसे कि हमारा वीकली टेस्ट होता है, मंथली टेस्ट होता है और 6 महीने में टेस्ट होता है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि बच्चे में कितना इम्प्रूवमेंट आया है और उनमें किस तरह की क्या कमियां हैं उनको हम दूर करने की कोशिश करते हैं। और इसे दोस्तों इंटरनल इवेल्युएशन भी कहा जाता है। और इसमें से दोस्तों काफ़ी बार क्वेश्चन आए हैं फॉर्मेटिव इवेल्युएशन के बारे में। और चलिए और देखते हैं हम और किस तरह के हैं। अब देखिए अगला आता है हमारे पास डायग्नोस्टिक इवेल्यूशन। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर हम बच्चे की वीकनेस और गुडनेस दोनों चीज़ों को हम देखते हैं, बच्चे का मूल्यांकन करते हैं, उसमें देखते हैं कि बच्चे में क्या कमियां हैं और क्या अच्छाई है, और जो हमें वीकनेस पाई जाती है उसे इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश की जाती है, और जो बच्चे के अंदर जो गुडनेस यानी कि अच्छी चीज़ पाई जाती है उसे इम्प्रूवमेंट करके और भी निखारा जाता है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन कहते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, ये जो मैंने पीडीएफ बना रखी है, तो ये पीडीएफ आप ले सकते हैं। ये पीडीएफ बिल्कुल फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं है, और इसका लिंक, इस पीडीएफ का लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप ये ले सकते हैं। और या फिर आप हमारी वेबसाइट nimmiji.net पर विजिट करके भी हमारे स्टडी नोट्स बिल्कुल फ्री में ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं आगे किस तरह की इवेल्युएशन है। आगे आती है दोस्तों सुमेटिव इवेल्युएशन। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर हम क्या करते हैं कि इसके अंदर जैसे कि पूरी क्लास है उसका टेस्ट लिया जाता है, यानी कि ईयरली टेस्ट, पूरा का पूरा समरी जिसे कहते हैं, हम पूरी समरी हम निकालते हैं कि बच्चे ने क्या सीखा है, 1 साल के अंदर क्या सीखा है, उसमें क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है, तो इस तरह से हम पता करते हैं। यानी कि ये जो टेस्ट होता है हमारा बिल्कुल लास्ट के अंदर होता है, जैसे ईयरली जो एग्ज़ाम होते हैं उसे हम कहते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड ए समराइज, यानी कि इसके अंदर पूरी समरी निकाली जाती है। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर बच्चे को जैसे कि हम सर्टिफिकेट दे देते हैं कि आपके आपने इतना अचीवमेंट किया है पूरी साल के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सुमेटिव इवेल्युएशन होता है। और यहाँ पे मैंने वही बात है कि हिंदी इंग्लिश में दिया हुआ है, यहाँ पे आप आसानी से पढ़ सकते हैं। और इसे एक चीज़ और हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल इवेल्युएशन भी कहा जाता है इसे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब आगे दोस्तों 6 नंबर पर क्राइटेरियन रेफरेंस्ड इवेल्युएशन। दोस्तों इसके अंदर क्या होता है कि जब हम बच्चे का मूल्यांकन करते हैं तब एक क्राइटेरिया पहले ही फिक्स कर दिया जाता है कि अगर बच्चे के इतने मार्क्स आए या इतनी ग्रेड आई तो वो इतना अच्छा होगा और उसे इतनी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है, यानी कि अगर बच्चे के 90% से ज़्यादा मार्क्स आते तो उसे ए ग्रेड दे दिया जाता है, 80 से 89 के बीच में आते तो बी ग्रेड। इस तरह हम पहले ही एक क्राइटेरिया फिक्स कर देते हैं बच्चे के मूल्यांकन के लिए। ठीक है, और एक चीज़ और दोस्तों, इसके अंदर हम किसी बच्चे का किसी दूसरे बच्चे के साथ कंपेयर नहीं किया जाता, इसका जो इवेल्युएशन है वो केवल हमारे क्राइटेरिया से ही निर्धारित किया जाता है। और आगे देखते हैं दोस्तों हम आगे क्या है, आगे देखिए आगे हमारा नॉर्म रेफरेंस्ड इवेल्युएशन। दोस्तों ये हमारा पिछले इवेल्युएशन से बिल्कुल थोड़ा सा अपोजिट है। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर जो बच्चे ने
मार्क्स या जो परफॉर्मेंस हासिल की है उसका हम कंपेयर करते दूसरे बच्चे के साथ में या फिर किसी क्लास के साथ में कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि एक बच्चे ने दूसरे बच्चे से कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया है और कितने अच्छे मार्क्स लेके आए हैं, और उनमें हम एनालाइज करते हैं कि जिस बच्चे के मार्क्स ज़्यादा आए हैं वो क्यों आए हैं और जिस बच्चे के मार्क्स कम आए हैं उसका रीज़न क्या है। इस तरह से हम दोनों में एनालाइज करते हैं और अपनी जो स्टडी है, बच्चे की जो स्टडी है, उसे और भी इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के टाइप ऑफ इवेल्यूएशन, और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। और दोस्तों अगर आपको रियल में हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। और दोस्तों अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इवेल्यूएशन से अभी तक कितने क्वेश्चन आ चुके हैं और किस तरह के क्वेश्चन आगे आने की संभावना है। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों।